नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीजी व्यंजक एवं बहुपद के कुछ सवाल हमने करे थे। कुछ सवाल हमारे बच गए थे जिनको हम इस वाले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। छोटा सवाल था हमारा, 1/2n² + 1/2n का n = 10 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या याद करना है, इसकी वैल्यू याद करनी है इस इक्वेशन की n = 10 के लिए। तो इक्वेशन है 1/2n² + 1/2n = क्या हमें क्या करना है, हमें n = 10 इक्वेशन में रखने पर, ठीक है ना, कितना हो गया 1/2 10² + 1/2 10 = 100/2 + 10/2 = 50 + 5 = 55। ठीक है, आई होप सब समझ आ रहा हूँ। दूसरा इसमें लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि परिणाम प्रथम 10 संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, प्रथम 10 संख्याओं के योग हमने क्या है, 6th क्लास में हम सभी लोगों ने समानांतर, 10th कह रहा हूँ मैं, हम लोगों ने 6th, 7th या 8th क्लास में समानांतर श्रेणी के सवाल करे थे। समानांतर श्रेणी क्या होती है, जब एक ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी श्रेणी बनाई जाए जिसमें हर इक्वेशन के बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें क्या, हर एक के बीच का डिफरेंस कितना, 1 है। अब हम बनाते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसमें हर एक के बीच का डिफरेंस कितना, 2 है। तो ऐसी श्रेणी जिसके बीच का डिफरेंस समानांतर हो उनको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसी क्रम में उसने उनसे बोला है, सत्यापित कीजिए कि परिणाम प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम इसे आगे करते हैं। हम कहते हैं तो समानांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला कितना है, योग का फॉर्मूला है S = n/2 (2a) + n-1 (d) प्रथम 10 प्राकृत संख्या में a = कितना हो गया, 1, ठीक है ना, n = कितना हो गया, 10, ठीक है ना, और d = कितना हो गया, 1, ठीक है ना। अब हम इसको पूरे को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो s = कितना आ गया, 10/2 (2) कितना हो गया, 2 × 1 + n-1 (10-1 × 1). ठीक है, तो कितना आ गया ये, 5 (2+9) = कितना आ गया, 5 × 11 = 55। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को प्रूफ कर दिया। पहले उसकी वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन से समांतर श्रेणी का योग होता है s = n/2 (2a) + n-1 × d से हमने इस बात को प्रूफ कर दिया कि जो इक्वेशन है वो सेम है। आइए चलते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, योग कीजिए 7/3 x³
प्लस टू अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन फाइव तथा टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव का योग करना। तो इसमें होता क्या, हमने जस्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, जितने भी हमारे सेम वाले वो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, सेम उसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या है, जो एक्स थ्री है वो एक्स थ्री से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जो एक्स टू है वो एक्स टू से जुड़ जाएगा, जो थ्री एक्स है वो थ्री एक्स से जुड़ जाएगा, और ये सेवन अपॉइंट फाइव है वो थ्री अपॉइंट फाइव से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जोड़ते हैं एक्स क्यूब ब्रैकेट सेवन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर टू अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव। समझ में आया तक, क्योंकि माइनस की संख्या है इसलिए मैंने क्या करा, ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये माइनस थ्री एक्स है, हमें इसमें प्लस करके क्या करना है, माइनस थ्री एक्स, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करना सॉल्व शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या करा, तीन एलसीएम लिया, ठीक है ना, तो कितना आ गया सेवन प्लस टू और ये कितना हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस फाइव हमने एलसीएम लिया तो फिर कितना आ गया टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अभी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ये रहेगी वैल्यू, पर क्या है कि मुझे दिखाने के लिए आपको डिलीट करनी पड़ रही है, या फिर मैं इसको अगले पेज में ले आ लेता हूँ, चलिए, ठीक है ना। क्या था हमारा, नहीं मुझे यहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तो वैल्यू जो है कम है मेरे पास, तो मैं इसको करता हूँ, ये कितना है, तीन एलसीएम लिया हमने, सात प्लस दो नौ, एस क्यू प्लस कितना क्या ये फाइव पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस कितना क्या प्लस टेन अपॉन फाइव, ठीक है ना। अब पूरा लाइन डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार के लिए आपका आंसर लिखने के लिए पूरा, इक्वल टू कितना आया, इससे ये कटा तीन बार, इससे ये कटा एक बार, इससे ये कटा दो बार, ठीक है ना। आंसर आया हमारा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। सिंपल, हमने क्या करना है, समान घात वाले पदों को एक साथ लेके आना है और उनको जोड़ देना है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को है ही नहीं, ठीक है। और अगर समान पद नहीं है, मान लीजिए इसमें वाई होता या जेड होता और उसका कोई दूसरा पद नहीं होता, तो वो पद वैसे ही उतर जाता, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई तथा टू एक्स टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के हम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाले पद आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर पद नहीं है तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ टू वाई आ जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई। ये प्लस था ये माइनस था, ये माइनस ये प्लस कट गए, ठीक है, ये प्लस माइनस 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 प्लस कट गए आपस में, कितना होता है हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, जुड़ गए तो कितना हो गया ये 3y2। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पदों का जो समान घातांक वाले पद हैं उनको हम साथ में जोड़ के आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब है घटाइए, हमें क्या करना है, जीरो में से घटाना है। इसने कहा जीरो माइनस ब्रैकेट में रखते हम, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बाहर माइनस का चिन्ह है तो जो भी संख्या है अंदर है उनके चिन्ह पलट जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया जीरो माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो क्या हो गया आंसर हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने, आपने जोड़ना था घटाना था, आपने जीरो माइनस करा। ठीक है, माइनस का तो चिन्ह पलट गए उसके जो अंदर चिन्ह थे, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें माइनस करना है ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। कुछ नहीं है ना, हमें सिंपल जो भी अंतर है उसके चिन्ह पलट देंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, माइनस ए से माइनस ए प्लस ही कट गया, माइनस बी कितना हो गया इजिकल टू माइनस टू बी प्लस टू सी। जो भी अंदर चिन्ह है वो पलट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आइए। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आई हुई किसी को समझने में, कोई दिक्कत आई हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हैशटैग क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। अब हमारे पास आते ना थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माना हमने क्या करा, माना कि संख्या z, इसमें z नहीं ना, माना कि संख्या z जोड़ने पे हमें ये परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब मुझे जेड पता करना है तो मुझे इसका क्या मतलब है, अगर मुझे इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दूं तो भी मुझे जेड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, जेड निकालना तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या को इधर की ओर ले जा लूँगा। तो आप सभी को पता है जब हम संख्या को उसके दूसरी तरफ ले आते तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं। तो जेड इज इक्वल टू हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखो कभी भी शॉर्टकट में ऐसी मत सोचना कि इसको इसमें जोड़ देता हूँ। ठीक है, नहीं चीज़ों को प्रॉपर करने की कोशिश करोगे तो आपकी चीज़ें सही होंगी। ठीक है ना, अगर आपने सोचा, क्योंकि आप मान लीजिए आपने चिन्ह नहीं पलटे और आपने सोचा कि इसको इसको कर लेता हूँ ऐसी, तो हो सकता है कि आपने इसको जोड़ दिया जबकि ये वास्तव में आपस में घटने थे। ठीक है, तो जेड स्क्वायर टू कितना आया हमारा, ठीक है, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा,
इसमें से घट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 3xy है और एक माइनस एक्स वाई है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के घातांक सेम है इसलिए इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, वाई स्क्वायर को नहीं जोड़ रहे हैं इसके साथ, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ कोई और नहीं है तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समान घातांक वाले पद हैं, सजातीय पद हैं, उन्हीं को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 3xy और माइनस एक्स वाई तो कितना हो गया प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करें तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करें दोबारा से वेरीफाई कर लें। कैसे वेरीफाई करेंगे इन क्वेश्चनों को, हमारा आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ आंसर रहने देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए, हम ये जोड़ना है, हमें पता है कि हम क्या जोड़ना है, हमें ये वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है सजाती पद है कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक्स वाई और ये 2xy कितना हो गया प्लस 3xy, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर के वो आपस में कट गए, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy। क्या हमें योग के बाद यही चाहिए था, देखिए हमें योग के बाद यही चाहिए था। तो इस तरीके से हम जो इस तरह के सवाल जो भी होते हैं इनको हमें क्या करना होता है डबल वेरीफाई करना होता है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक कई बार आप इधर से पदों का जब रूपांतरण करते हैं इधर से उधर ले जाते हैं तो आप कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। दसवां क्वेश्चन है माइनस 13x प्लस 5x 5y माइनस 8 में से क्या हटाया जाए कि परिणाम ये हो जाए, ठीक है ना। मैं खाली ऐसे लिख रहा हूँ कि संख्या x है, ठीक है ना, माना कि संख्या z है, ठीक है ना। तो कितना हो गया माइनस 13 माइनस 13x प्लस 5y माइनस 8 माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है 11x माइनस 16y प्लस 7। हमें क्या करना है, हमें ये संख्या निकालनी है जेड, जेड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें या तो इस संख्या को इधर ले आना है, ठीक है ना, या इस संख्या को इधर लाना है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 बचता है, ठीक है ना। इफ़ यू डू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, मैं ऐसी समझा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। और अगर 10 माइनस 7 करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस संख्या को यहाँ रख देता हूँ तो भी मुझे 3 की वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस संख्या को इसमें से घटा दूँ तब भी मुझे वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने का तरीका था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना, इस संख्या को हम इधर लेके जाते हैं, माइनस जेड इज इक्वल टू 11x माइनस 16y प्लस 7
माइनस इधर चले गए तो संख्या क्या हो गई, चिन्हों पलट गए इसके, ठीक है ना। माइनस वाला कितना हो गया, प्लस 13x माइनस 5y माइनस प्लस 8, तो कितना हो गया 13 में से 11, 13 और 11 कितना हो गया 24 एक्स माइनस 16 और 5, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 16 और 5 21 और 8 और 9 7 8, 8 7 15 प्लस 15 माइनस जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस इधर चले जाएगा, माइनस 24x प्लस 21y माइनस 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, आंसर हमें पता है अपना। तो हमें क्या करना है, इसमें इस संख्या को हमें घटाना है, ठीक है ना। माइनस 24x प्लस 21y माइनस 15, ठीक है ना। तो कितना है, माइनस 13x प्लस 5y माइनस 8, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 24x, अब सारे चिन्ह पलट जाएंगे, ठीक है ना। माइनस 21y प्लस 15, 24 में से 11, ये प्लस और माइनस, माइनस 13 है प्लस 24 है, कितना हो गया 11x माइनस 5y और माइनस 21, प्लस 5 माइनस 21, तो कितना हो गया माइनस 16y माइनस 8 प्लस 7, कितना हो गया प्लस 7, ठीक है ना। तो क्या हमारी इक्वेशन यही थी, 11x माइनस 16y प्लस 7, ठीक है। इस तरीके से जो भी हम सवाल करेंगे उसको हम दोबारा से रीटेस्ट कर लेंगे, ताकि ये पता लग जाएगी जो हमने सवाल करा है वो सही भी करा है या गलत करा है, ठीक है। अब है, दो बहुपदों का योग इतना है, यदि एक बहुपद ये है तो दूसरे का योग प्राप्त करिए, ठीक है ना। तो सिंपल है, ये मुझे दिख नहीं रहा कि क्या है करके, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 2x² प्लस 3y² माइनस 7y प्लस 1 प्लस जेड, संख्या के मान में जेड, क्या इसका योग, x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जेड निकालना है, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। दो बहुपदों का योग कितना है, ये है, ये योग है, ठीक है ना, इसका प्लस इसका, तो मैं जेड इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस वाई माइनस 7। अब ये सारी संख्याएं जो इस साइड जाएंगी सबके चिन्ह क्या पलट जाएंगे, माइनस
2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस प्लस 7y माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, आप इसको पूरा ब्रैकेट लगा के भी ले सकते हैं। ठीक है ना, माइनस बाहर ले दीजिए, पूरा ब्रैकेट लगाइए, बाद में खोल लीजिए। ठीक है ना, अब किसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक, ये कितना माइनस के 2, तो कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाई स्क्वायर माइनस का एक, यहाँ पर माइनस के 3, तो कितना हो गया माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना माइनस 2xy, यहाँ पे कोई 2xy नहीं, तो कितना हो गया माइनस 2xy। ये प्लस वाई, यहाँ पे कोई वाई नहीं है। ठीक है ना, ये 7y था, सॉरी ये 7y था। ठीक है ना, ये 7y था, 7y और ये वाई, तो कितना हो गया प्लस 8y। ये माइनस 7 प्लस 1, तो कितना हो गया प्लस 6। जेड इजिकल टू क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8y प्लस 6। ठीक है ना, अब देखिए मुझे ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ये संख्या कुछ और रही हो, मैंने इसको 3y स्क्वायर ले लिया। ठीक है ना, ये 2 या 4 होगी तो उसके अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका जो दोबारा से हमें रीटेस्ट करना है वो आप स्वयं करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपकी ये वैल्यू, इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपकी क्या है, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है ना, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इन सवालों को कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे हल्के हल्के सवालों को करना है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने साथ के जितने भी लोग हैं, जितने भी NIOS के बच्चे हैं या फिर कोई भी आप किसी भी बोर्ड का बच्चा है, उसे आप हमारे वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो से फ़ायदा हो। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें है विशेष गुणनफल। ठीक है, और इस चैप्टर के आगे के इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।